एक या दो जन्म ही लोग आमतौर पर देख पाते हैं। ज्यादातर लोग एक ही जन्म में अपना सारा सवाल और उसका जवाब देख लेते हैं। PLR जो है सच में स्पिरिचुअल ग्रोथ को गति देता है। आपको लगता है कि मैं आध्यात्मिक जगत में कुछ तेज गति से आगे बढ़ूं, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहिए। और हमारे गुरु तो ये भी बोलते हैं, अगर दो चार जन्म आप देख ले तो ज्यादा अच्छा है। पूरी कोशिश होती है कि इसकी जो तड़प है, इसकी जो प्यास है, इसकी जो जिज्ञासा है, इसका जो सवाल है, उस दिशा में जाएं, उस बारे में बात करें। जब चाइनीज आएगा ना कोई, तो वो जानता है कि इसको चाइनीज के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो वो कोशिश करेगा चाइनीज ना बोले, बल्कि चाइनीज में समझ रहा है जो कुछ, उसे वो हिंदी में बताएगा। भाषा की चिंता ना करें, आप किसी भी भाषा में रहेंगे, आप अगर सेशन ले रहे हैं और आपको दिख रहा है और आप मान लीजिए बोलने लगे चाइनीज ही बोलने लगे, जैपनीज बोलने लगे, तो हम क्या करेंगे। नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज कुछ प्रश्नोत्तर सेशन कर लेते हैं, कुछ प्रश्न आए हैं जिनकी बात हम लोग कर लें। तो जयंती भाई, प्रश्न क्या है जरा बता दीजिए। देखिए, बहुत सारे लोगों की क्वेरीज है, तो उसमें एक प्रमुख जो प्रश्न है हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। जैसे पहला मैं प्रश्न बोलता हूँ कि ये सेशन, मैं सेशन लेना चाह रहा हूँ, इसमें मैं एक जन्म देखूंगा या कई जन्मों को देखूंगा। अच्छा, ये YouTube पे भी लोगों ने कमेंट्स किए हैं इसको लेके, कि वो एक जन्म देखेंगे, कई जन्म देखेंगे, दो जन्म देखेंगे, क्या देखेंगे। तो मेरा ये कहना है मित्रों कि हम ये नहीं बता सकते कि आप एक जन्म देखेंगे, दो जन्म देखेंगे कि तीन जन्म देखेंगे, और हम आपको कितने जन्मों में लेके जाएंगे ये हमारे हाथ में नहीं है। वो तो जब हम सेशन शुरू करते हैं और उस समय जैसी परिस्थितियां घटती हैं और जो चीजें हो रही होती हैं उसके हिसाब से, क्या कभी एक ही जन्म, ज्यादातर लोग एक ही जन्मों में सारी चीजें अपने अपने जो उनके जो सवाल होते हैं उनके जवाब उनको मिल जाते हैं एक ही सेशन में ना, याद रखें। कुछ लोग होते हैं जिनको दो जन्मों में जाना पड़ जाता है, और वो कोई हम भेज दिए ऐसा नहीं है, रेयर होता है जब हम उनको परिस्थितिवश ऐसा देखते हुए कि कुछ कारण है कि इनको अगले जन्म किसी और जन्म में भेजा जाए, ऐसे कोई कारण हमें नजर आते हैं तभी हम उनको दूसरे जन्मों में और भेजने की कोशिश करते हैं। नहीं तो ऐसे आमतौर पर लोग खुद ही शिफ्ट हो जाते हैं दूसरी तरफ, और दूसरे जन्मों में शिफ्ट हो जाते हैं तो फिर वहां पर भी कुछ उनके जवाब होते हैं, इसीलिए वो शिफ्ट होते हैं। बहुत कठिन परिस्थिति हो और उसका जवाब नहीं आ रहा है तो हम लोग प्रयास करते हैं कि उसको कहीं और शिफ्ट कर दें, तो फिर ऐसी स्थिति बनती है तो हम प्रयास करके फिर उसको कहीं और लेके जाते हैं किसी और जन्म में। तो एक या दो जन्म ही लोग आमतौर पर देख पाते हैं। ज्यादातर लोग एक ही जन्म में अपना सारा सवाल और उसका जवाब देख लेते हैं। ये है कि कुछ लोग, एकदम बहुत कम लोग, दो से ज्यादा तीन जन्मों तक भी चले जाते हैं। और फिर मैंने आपको पहले भी अपने कई वीडियोस में बताया है कि लोग बाग अलग अलग लोकों की यात्रा भी करते हैं, कहीं और पहुंच जाते हैं, कहीं अंतरिक्ष में किसी लोक में नजर आते हैं, तो वो उस तरह की यात्राएं भी उनकी होती हैं। मैं नहीं कह सकता कि वो हर आदमी वो यात्रा कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसे लोग आते हैं जिनको हम जब शुरू करते हैं तो वो अपने आप को किसी और लोक में, किसी और जहां में पाते हैं। लेकिन ठीक है, फिर उनको जहां उनका असली जहां उत्तर है उनका, वहां पे फिर उनको हम लाते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि एक जन्म देखेंगे, दो देखेंगे कि तीन देखेंगे, ये हम नहीं जानते। परिस्थिति उस समय कैसी होती है उस पर निर्भर करता है। आमतौर पर आदमी खुद ही शिफ्ट कर जाता है इधर से उधर और वो दूसरे जन्मों को देखने लगता है, तो हम उसको फिर, अगर हमें लगता है कि वो ठीक है, वो खुद से शिफ्ट हो गया है और चीजों को देख पा रहा है, तो हम उसे जाने देते हैं। और एक चीज मैं कहूंगा यहाँ पे कि कुछ लोग मन में पहले से सोच के बैठे रहते हैं कि मैं दो जन्म जाऊंगा, तो आते हैं सेशन के लिए तो कहते हैं मेरे को दो जन्म में भेजना, तो ये संभव नहीं है कि आप डिमांड करें और हम आपको भेज दें। परिस्थितियां जैसी होंगी उसी के हिसाब से ही हो पाएगा। जयंती भाई, दूसरा प्रश्न आप बताइए। देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत सारे जो साधक हैं, एक स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, उनका महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उनको कुछ पहले से ही अनुभूतियां होती है।
स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस से गुजरते हैं और हमने देखा है कि हमारे पास वो साधक जिनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ आगे बढ़नी है, तो उनका एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या हम स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए पीएलआर करवा सकते हैं क्या? देखिए, पीएलआर जो है सच में स्पिरिचुअल ग्रोथ को गति देता है, और हम लोग जो हमारा जो ये जो सेशन हम लोग लेते हैं, हम लोग मोटे तौर पे इसको हम लोग स्पिरिचुअलिटी से जोड़ के ही रखे हुए हैं, और उसी तरह के भाव के साथ हम इसको करते हैं। और हम ये मानते हैं कि जो साधक लोग हैं, जो जिनके भीतर स्पिरिचुअल चीजें चलती रहती हैं, जो कहीं कहीं अनुभव कर रहे होते हैं, कुछ उनके भीतर अनुभूतियां चलती हैं, कुछ लोगों को पहले से इंट्यूशन होने लगता है, कई चीजें उनको दिखने लगती हैं, कुछ लोग किसी खास मार्ग में अपने आप को पाते हैं जबकि उनके घर परिवार की परिस्थितियां वैसी नहीं होती हैं, ऐसे लोगों के लिए ये सच में बहुत अच्छा कारगर कहना चाहिए चीज है ये पीएलआर। और जैसे आपने देखा कि पिछली बार हमने जो एकदम ठीक पहले का अगर एक दो वीडियो आप याद करें तो आप देखेंगे कि वो लोग जो लोग यहाँ पर आए थे, जो लड़कियों की बात कर रहा हूँ मैं, जो पीछे दो एक महिला ने देखा अपने आप को कि वो पूरी दुनिया में घूम रही है, हिमालय में घूम रही है, वो साधक है और शिव की भक्त है, वो कैलाश मानसरोवर तक गई, ये आपने देखा वो वीडियो में। और ये जो चीज थी, ये महिला के भीतर खोज कुछ थी, उसे नहीं पता था कि वो क्या खोज रही है, बस वो खोज रही थी, और ये खोज के चक्कर में वो 101 देशों को घूम आई थी ना, लेकिन अब पीएलआर किया तो उसे समझ में आ गया कि क्या खोज रही थी उस जीवन में, खोज रही थी उस जीवन में, उसने 50 साल का समय उस खोज में बिताया था, और यहां से वहां भटकती हुई बीता उनका पूरा समय, तो अब इस जीवन में आ गई और यहां दुनिया में खोज रही, अब उसको समझ में आ गया कि दरअसल उसे खोजना क्या है, अब वो सही डायरेक्शन में खोजेगी, और निश्चित रूप से मैं तो मानता ही हूं कि उसको कम से कम अब बाहर भटकने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वो अंदर चली जाएगी और अपने भीतर के उस साधक को पाएगी जो उसने देख लिया कि वो साधक है, तो एक बड़ी उपलब्धि है। अभी जो इसके पहले एक लड़की आई थी, जो सरस्वती नदी का जो वीडियो हमने डाला था, आप ये देखिए कि वो उनके सवाल तो लौकिक थे, ऐसे ही जनरल वाले जो आम जीवन के सवाल होते हैं, और उनको ये भी नहीं मालूम था कि वो कोई स्पिरिचुअल सोल है, लेकिन वो शिव की भक्ति करती थी, उन्हें बचपन से शिव से लगाव, उनके भीतर लगाव था, और उन्हें थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता था कि कुछ वो स्पिरिचुअल हैं, उनके घर परिवार से थोड़ा हटके उनको अनुभव होता था इसको लेके। जब वो पीछे जन्मों में गई तो उन्होंने देखा कि वो शिव की भक्त हैं और उनके परिवार वाले वैष्णव हैं, वो शिव और वैष्णव का जो झगड़ा पूरा प्राचीन काल में चला करता था, आपको याद होगा प्राचीन काल में शैव और वैष्णव एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे और उनके बीच झगड़ा चला करता था, वही झगड़ा उसने देखा, उसके पिताजी वैष्णव थे तो बेटी शिव कैसे हो सकती है, शिव की भक्ति बेटी क्यों करे, तो टकराव काफी होता था बाप बेटी में, और आखिर में बेटी को फिर घर छोड़ के जाना पड़ गया पहाड़ों के ऊपर और उसने जाके साधनाएं की। तो मेरा यह कहना है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है हमें सचमुच आध्यात्मिक दुनिया में बहुत गति देता है, और गति ऐसी देता है बहुत तेज गति, अगर हम सिर्फ ध्यान करते रहेंगे और सोचेंगे कि ध्यान से हम उन चीजों को उपलब्धियों को हासिल करेंगे देखेंगे, तो मैं भी कम से कम 30 साल से तो ध्यान कर रहा हूं और मैं कह सकता हूं कि आपकी गति उस तरह से नहीं बढ़ेगी जिस तरह से पीएलआर के बाद बढ़ेगी, क्योंकि हम लोगों ने भी पीएलआर किया और सारी चीजें की तो हमने पाया कि हमारी गति इसके बाद बहुत तेज हुई है। तो मेरी सलाह है अगर आप स्पिरिचुअलिटी में कहीं ग्रोथ चाहते हैं, जैसा आपका सवाल है, आपको लगता है कि मैं आध्यात्मिक जगत में कुछ तेज गति से आगे बढ़ूं, तो पास्ट लाइफ रिग्रेशन करना चाहिए, और हमारे गुरु तो ये भी बोलते हैं अगर 2-4 जन्म आप देख ले तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि जैसे ही आप 2-4 जन्मों को देख लेते हैं, अगर आप साधक हैं तो कई जन्म देखना चाहिए, बार बार ये सेशन लेना चाहिए, 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल भर में ऐसे सेशन रिपीट करने चाहिए, उससे एक फायदा होगा कि आप संसार से अपना जुड़ाव देखेंगे कि धीरे धीरे कम होने लगेगा, संसार और आपके बीच दूरी बढ़ेगी। ये कहें कि आप माया क्या है ये समझने लगते हैं, आप जगत माया है जो पुरानी कहावत होती थी ना वो समझ पाएंगे, तो ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जो कहा गया ये क्या चीज है आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, इसे माया लोक कहा गया पृथ्वी को ये भी आपको समझ में आ जाएगा, और धीरे से चूंकि आप बार बार देखेंगे
तो आप समझ जाएंगे कि मेरा इस तरह का कनेक्शन अब नहीं है वैसा जैसा मैं इसको समझ रहा हूं। तो निश्चित रूप से आपकी आध्यात्मिक गति बढ़ती है इससे, तो ये फायदा तो बहुत जबरदस्त होता है। हाँ, क्या है अगला प्रश्न? कि जैसे कोई प्राचीन काल में जाता है, कोई प्राचीन लोग की चीजें बता रहा है, तो बोलते हैं कि उनकी बारीकियों को हमें दिखाया जाए, हमें बताया जाए कि किस ढंग की चीजें हैं। और कुछ लोग हैं जो इसको तर्क से, शास्त्रों से, या हम बोले कि इतिहास से जोड़ना चाहते, जो लैंग्वेज लिपि है, तो लिपि के बारे में हमें बताया। हाँ, अभी जो है वो जो हमने एक वीडियो डाला था ना, सरस्वती नदी, वो लड़की देख के आई, तो लोगों ने कहा कि ये जो है सिंधु सभ्यता के समय का ये काल दिखता है। तो सिंधु लिपि जो थी उस समय की, जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में जो लिपियां पाई गई जिनको डिकोड नहीं किया जा सका है, कहते हैं कि डिकोड हो गया है वो, तो उनका सवाल था कि इसको उससे पढ़वाना था, उनसे पूछना था। तो देखो भैया, ये हम लिपि विपि जानने के लिए नहीं जा रहे थे ना, याद रखिए। कोई आदमी अगर दूसरे दूर से फ्लाइट लेके आया है आपके लिए, समय निकाल के, देखिए एक तो समय निकालना आजकल कठिन है, वो पूरा एक दिन पहले आ जाते हैं, फिर वो दूसरा दिन आपको देते हैं, तो इसलिए थोड़ी देते हैं कि वो लिपि पढ़ें और आपकी तसल्ली करें कि आपको मजा आ जाए। नहीं, वो अपने अपने भीतर बहुत गहरी कोई प्यास है ना, याद रखें, वो इसलिए सेशन में आते हैं कि उनके भीतर कोई तड़प है, वो तड़प को शांत करने के लिए आते हैं, वो आपको इतिहास बताने के लिए नहीं आते हैं। तो ठीक है, अगर वो इतिहास से मैच कर जाए बहुत अच्छा, आपको कोई तथ्य मिल जाए बहुत अच्छा, लेकिन हम उसको उस दिशा में ले जाने के बजाय हमारी पूरी कोशिश होती है कि इसकी जो तड़प है, इसकी जो प्यास है, इसकी जो जिज्ञासा है, इसका जो सवाल है, उस दिशा में जाएं, उस बारे में बात करें और उससे संबंधित चीजों में ही रहें। इस दौरान कुछ चीजें दिख जाए अच्छी बात है, हम कोशिश करते हैं कि और सवाल कर लें दाएं बाएं, लेकिन हमारा पूरा फोकस होता है कि हम वहीं जाएं जहां इनकी जो प्यास है, तड़प है, सवाल है, वो संबंधित है। आजू बाजू दाएं बाएं थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं, जैसे मैंने उससे पूछा था कि सरस्वती नदी कैसी दिखती है, तो उसने कहा कि बहुत विशाल, बहुत बड़ी नदी है। अब देखिए, सरस्वती नदी आप लोगों ने देखा नहीं है, बहुत सारे लोगों ने देखा नहीं है, बद्रीनाथ के पास जरूर थोड़ा सा वो सरस्वती नदी देखने को मिलता है, लेकिन आप ये देखिए, क्या आपको पता है बद्रीनाथ के पास आप जाएंगे तो बद्रीनाथ में आपको सरस्वती नदी बहुत चौड़ी नहीं दिखती, छोटी दिखती है, लेकिन इन्होंने जो देखा है वो कहीं और देखा होगा, आगे देखा होगा, तो इन्होंने देखा विशाल नदी, और जब हमने सर्च किया तो पता चला कि सरस्वती नदी बहुत विशाल थी, तो लड़की ने बताया कि बहुत विशाल नदी है जो उन्होंने देखा। तो यही मैं कह रहा हूं कि इस तरह की चीजें हम पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा जोर आपके इतिहास को जानने में नहीं रहता, आपकी लिपि को जानने में नहीं रहता, हमारा जोर होता है कि उसकी जो सवाल है उसके उत्तर उसे मिल जाए, साथ में अगर कुछ दिख जाए तो बोनस, अलग से कुछ उत्तर मिल जाए दाएं बाएं का कुछ वो बता दे, बहुत अच्छा। अच्छा, एक चीज और आप देखिए, ये सेशन जो है कम से कम 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे का सेशन हो जाता है कई बार। कुछ लोग आते हैं, आप देखते होंगे हमारे वीडियोस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, कुछ लोग बहुत धीरे धीरे बोलते हैं, एक सवाल करो तो वो 10 सेकंड 20 सेकंड कभी कभी 30 सेकंड चुप रहते हैं। आपने सवाल किया कि चलो, आपने सवाल किया कि आप अपने घर में क्या कर रहे हो, अब वो चुपचाप बोल, क्योंकि वो इतने गहरे होते हैं ना, ट्रांस में बहुत गहरे होते हैं, उनको बोलने के लिए भी बहुत प्रयास करना पड़ता है, तो वो धीरे 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 ऊपर आके बताते हैं। ये चेतन मन, मन को संदेश पहुंचता है तब चेतन मन बता पाता है, क्योंकि वो तो गहरे और चेतन में उतरा हुआ है, तो समय लग जाता है। तो कई बार अगर हम इससे सारे सवाल इधर उधर के करेंगे तो एक तो उसका समय नष्ट होगा, और जो काम की बात है उसमें हम पिछड़ेंगे, तो काम की बात हम पहले दिखाते हैं। इस चक्कर में अगर 3 साढ़े 3 घंटे हो गए तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो सामने वाला जो एक पोजीशन में, आम तौर पे 99% लोग एक ही पोजीशन में रहते हैं, अगर वो जाते समय अपने हाथ को कहीं पर रख रहे हैं तो वो हाथ वही रहेगा 3 घंटे बाद और 4 घंटे बाद भी वो वैसे ही रहेगा, है ना। तो अच्छा, कुछ हीलिंग की भी प्रोसेस है, कई बार हम कुछ देखते हैं, दिखाते हैं और हम ये देखते हैं कि वहां ट्रॉमा है, तकलीफ है, पीड़ा है, गहन अवसाद है, अब वो अवसाद इस तरफ आ गया है, तो फिर हमको उसको हीलिंग के कुछ प्रोसेस से गुजारना पड़ता है, तो उसमें भी समय लग जाता है, फिर वो समय बढ़ जाता है,
अब हम अगर इतिहास ही ढूंढते रहेंगे तो हम उसके साथ अन्याय करेंगे ना। और जिसने इतने खर्च किया, इतना एफर्ट लगाया, इतना दूर से वो फ्लाइट ट्रेन सब अपने इतने कष्टों को सह के वो आते हैं अपनी प्यास बुझाने, अपनी तड़प को मिटाने, तो ये थोड़ा सा अन्याय होगा कि उससे हम इतिहास ढूंढते रहें। हाँ, इतिहास मिल जाए बहुत अच्छी बात है। और एक चीज़ है, आप अगर अगर आप अपने बचपन की चीज़ों को देखें, आप पांचवी क्लास में थे, चौथी क्लास में थे, पहली क्लास में थे, जो आपके दोस्त थे आपको उनके सारे नाम याद थे, सारे टीचर के चेहरे याद थे। अब अगर आज आप 25 साल के हैं, 20 साल के हैं, 40 साल के हैं, आज आपसे हम कहें कि आप अपने पांचवी क्लास वाले टीचर या फ्रेंड्स को याद करें, उनके नाम बताएं, उनका सब कुछ बताएं, तो आप हर चीज़ नहीं बता सकेंगे ना, कुछ मोटा मोटी चीज़ें बताएंगे। ऐसे ही जब हम पास्ट लाइफ में भेजते हैं तो उनको भी, चूंकि पिछला जीवन बीत चुका इतना पुराना, और अभी नया जीवन में भी बहुत सारी यादें आ गई हैं, तो बहुत बारीकी में हम नहीं ले जाते, क्योंकि बहुत बारीकी में ले जाने के लिए बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट लगेगा और समय ज़्यादा लगेगा। और एक आदमी जो 4 घंटे से एक पोजीशन में बैठा हुआ है या लेटा हुआ, आप सोच सकते हैं कि उसको थोड़ा सा कितना खींचोगे आप, और उसके लिए जो जरूरी चीज़ है वो कर रही है। तो जितना उसे याद आए आसानी से दिखता है, जो कुछ दिख रहा है बहुत आसानी से दिख रहा है, वहीं तक हम केंद्रित रहते हैं, ये समझिए। ठीक है, अब आगे कोई है सवाल? इसमें एक जैसे भक्त जैसे लोग हैं जो प्रेम में आकंठ डूबे हैं परमात्मा के, जैसे हम बात करें कि श्री कृष्ण के बारे में, हमारे पास दो लोगों का ऐसा सेशन है और बहुत सारा कृष्ण दर्शन को दिखा रहा है, कृष्ण की व्यक्तित्व को दिखा रहा है, तो लोगों के प्रश्न ये है कि क्यों नहीं इनसे आप और भी, इनके जो रूप है, इनके जो बोलचाल के ढंग है, कृष्ण के साथ हो रहे हैं, तो किस उसको और ज्यादा बारीकी से दिखाना चाहिए, क्योंकि कृष्ण के साथ इतनी ज्यादा रहती है। हाँ, कृष्ण के साथ अविनाश त्रिपाठी जी थे, तो उन्होंने जो देखा वो तो उन्होंने सब बता दिया, कृष्ण कैसे दिखते थे, क्या था, कैसा था। अच्छा, इन्होंने ना एक चित्र भेजा, लोगों ने बहुत बार कहा कि चित्र दीजिए, पर त्रिपाठी जी अभी तक ऐसे व्यक्ति को नहीं ढूंढ पाए जो उनकी पसंद का चित्र बना दें। तो आखिर में उन्होंने ऐसा कहीं पर किसी जगह पे वो देखे, उन्होंने वो एक चित्र देखा, तो उनको लगा कि कृष्ण भगवान से मिलता जुलता चित्र ये है। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे किया कि बोले कि जो मैं कह रहा हूँ वो तो, या जो मैंने देखा वो मैं बता तो नहीं सकता कि किस तरह से था ओवरऑल, लेकिन ये चित्र को देख के मुझे एहसास होता है कि कुछ कुछ, शायद 50-60% वो कृष्ण से मिल रहे हैं जो वो उन्होंने देखा है वहां पे। अब ये हो सकता है कि आज का कलाकार उस चित्र को कैसे बनाए, सवाल उठ सकता है मन में, मेरे भी मन में सवाल उठा था, फिर उत्तर मेरे भीतर ही आ गया। मैंने ये सोचा कि चलो आज का कलाकार है, अब वो त्रिपाठी जी ने जो देखा वो तो इतने पुरानी बात है, आज का कलाकार ऐसा 50% या 60% भी कृष्ण से मिलता जुलता चेहरा कैसे बना सकता है। तो फिर मेरे भीतर ही जवाब आया, जवाब ये आया कि देखिए, हमारे पास पुराने जमाने में आर्टिस्ट तो रहते ही होंगे, ऐसा तो नहीं है कि पुराने जमाने में पेंटर नहीं थे, कलाकार नहीं थे, थे। अब उस समय जो कृष्ण का जो प्रेमी रहा होगा, कृष्ण का जो उनके दरबार के कोई पेंटर होंगे, उनके राज्य में कोई पेंटर होंगे, उन्होंने कोई पेंटिंग बनाई होगी, वो पेंटिंग जैसे आज ऋग्वेद आपके साथ परंपरा से आई ना, सारे वेद सारे शास्त्र हमारे परंपरा से आए, पहले उन्होंने बोल बोल के शिफ्ट किया, श्रुतियां इसीलिए कहा जाता है कि वो सुना गया, सुन के उसको रिपीट किया गया, आगे पीढ़ियों को दिया गया, तो हमारे शास्त्र बोल बोल कर पीढ़ियों तक पहुंचाए गए हैं। ऐसे ही कलाकार भी, एक कलाकार ने कोई चित्र बनाया, उसका पोता हुआ, उस पोता ने देखा कि दादा ने एक ऐसा चित्र बनाया भगवान कृष्ण का, तो उसने अपने समय में कुछ बनाया, हो सकता है थोड़ा मॉडिफाई किया हो और अच्छा दिखे बोल के, फिर उसका पोता हुआ हो, उसने देखा कि ये दादाजी ने ये चित्र दिया था भगवान कृष्ण ऐसे दिखते थे, तो उसने पोते ने भी बनाया, इस तरह से पेंटिंग चली आई हजारों हजारों साल पार करते हुए, तो उसमें हो सकता है 25-50% कुछ फर्क आ गया हो। आपको याद होगा कि हम लोग हमारे शास्त्रों में भी कहा जाता है, बहुत सारे शास्त्रों में खासकर वेदों में भी ऐसा कहा गया है कि उसमें कुछ कुछ पंक्तियां बीच बीच में कहीं कहीं वो छद्म पंक्तियां घुस गई हैं, बीच बीच में कहीं कहीं कुछ ऐसी लाइनें डाल दी गई हैं जो ओरिजिनल उसके धुन से या उसके तार जो है ओरिजिनल वाले से नहीं मिलते। तो ऐसा माना जाता है कि कई बार ऐसा आ जाती है चीजें जो मिश्रित हो जाती हैं। तो
त्रिपाठी ने एक चित्र भेजा। अब देखिए उस चित्र को मैं इसलिए नहीं डाल सकता यूट्यूब पे क्योंकि उसमें कॉपीराइट आ सकता है, क्योंकि वो दूसरे का चित्र है, दूसरे का बनाया हुआ चित्र है। अगर कोई मुझे पर्सनल में मैसेज करता है तो मैं उन लोगों को जरूर भेज देता हूँ वो, लेकिन वो व्हाट्सएप पे है ना। तो सवाल यह है हम वो चित्र नहीं डाल पाएंगे। हाँ अगर कोई तरीका होगा तो मैं जरूर उसको स्क्रीनशॉट वगैरह लेके क्या वो हो सकता है वो देख के फिर मैं ऐसा करूंगा कि वो चित्र आप लोग देख पाए। लेकिन ये है कि आप बहुत बारीकी हर चीज लेना ये थोड़ा सा तकलीफ दे काम होता है, क्योंकि सेशन इतना ज्यादा है उसका। हमारा हमने तो बता दिया पूरा ध्येय ये है, हमारा पूरा ध्यान इस बात पे है वो जो चाहता है उसने जो 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 उसकी प्यास है जो उसकी जिज्ञासा है वहां पहुंचे, वहां पहुंच जाए वो देख ले। अच्छा कई बार लोग देख लेते हैं, हम उस समय सेशन के समय उससे बात नहीं करते ना, सेशन के बाद उनसे पूछते हैं तो बहुत बार वो बहुत सारी बारीकी और भी बताते हैं। हाँ क्या है प्रश्न? हाँ इसमें ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जो जिज्ञासु प्रकार के लोग रहते हैं। हाँ वो बोलते हैं कि हम जब पास्ट लाइफ में जाएंगे जो जन्म में जा रहे हैं तो हमारी भाषा क्या होगी, वहाँ हम किस भाषा में बोलेंगे। भाषा को लेके लोगों का सवाल रहता है। अच्छा लोग ये भी पूछते हैं कि भैया वो हिंदी क्यों बोल रहा है, दूसरी भाषा क्यों नहीं बोल रहा है, ये लड़की जो सरस्वती नदी देख रही है वो उस समय की सिंधु सभ्यता वाली भाषा में क्यों नहीं बोल रही, पापा क्यों बोल रही है, पिताश्री या उस तरह का कुछ बोलना चाहिए। सवाल तो है लेकिन इसमें यह है कि देखिए जवाब कौन दे रहा है, जवाब आप दे रहे हैं, आप कौन है, आप आज के आधुनिक व्यक्ति हैं, देख कौन रहा है, आपका मन देख रहा है, मन कौन है आपके आज के आधुनिक व्यक्ति के भीतर है। तो उस मन को पता है कि ये जो बाहर बैठा हुआ व्यक्ति है जो सेशन ले रहा है इसको चाइनीज वाइनीज नहीं पता, अंग्रेजी तक तो हमने देखा आपने कि एक वीडियो में जयंती भाई खुद अंग्रेजी बोलते नजर आ रहे थे, तो वो ठीक है उनको आइडिया था कि ये लोग थोड़ा बहुत अंग्रेजी जानते हैं ये लोग समझ जाएंगे। Listening only, no, it's not there. I should not there, you just listening. Yeah, discourse is there on the tab. I'm just listening. लेकिन जब चाइनीज आएगा ना कोई तो वो जानता है कि इसको चाइनीज के बारे में कुछ नहीं मालूम, तो वो कोशिश करेगा चाइनीज ना बोले, बल्कि चाइनीज में समझ रहा है जो कुछ उसे वो हिंदी में बताएगा। जैसे आप कल्पना करिए कि आप एक अमेरिकन को लेके आ जाते हैं भारत में और वो उसको कुछ कुछ चीजें यहाँ देखने मिलता है और वो आपसे अंग्रेजी में पूछता है कि क्या क्या चीज है ये, आपने जो कुछ देखा वो हिंदी में देखा सुना समझा, फिर आप उसको ट्रांसलेट कर देते हैं कि ये ऐसी ऐसी चीज है। ऐसे ही जो सेशन ले रहा था व्यक्ति वो जब किसी और जगह पे होता है कोई ऐसी चीज देख रहा होता है या ऐसी कोई, जैसे हमारे सेशन में बहुत लोग आए विदेशी थे, बाहर देश में थे, एक स्पेन में अभी अभी थोड़े दिन पहले स्पेन में था, अब वो स्पेनिश नहीं बोल रहा है वो हिंदी में हमको बता रहा है ना, लेकिन वो स्पेनिश बोलने की जगह हिंदी में बता रहा है, ये वीडियो में डाल दूंगा आगे चल के आपके लिए। तो हिंदी में इसलिए बता रहा है क्योंकि उसको पता है कि स्पेनिश बोलूंगा तो इसको कुछ समझ में नहीं आने वाला, सेशन आगे नहीं बढ़ेगा, तो कुछ ना अवचेतन मन भी उसका जानता है और चेतन मन को हिंदी आती है अच्छी तरह से, तो स्पेनिश में वो जो कुछ देख रहा है उसको चेतन मन हिंदी में ट्रांसलेट करता है। इसलिए भाषा की चिंता ना करें। कुछ काम कर रही है? सोफे में। सोफे में, अच्छा ठीक है। वाइफ के रंग को देखिए कैसा रंग है, उसके बालों को देखिए, उसके कपड़ों को देखिए। कपड़े ट्रेडिशनल पहने। ट्रेडिशनल से मतलब? ये फॉरेनर जो पहनते हैं ट्रेडिशनल कपड़े। अच्छा फ्रॉक की तरह का? फ्रॉक की तरह। अच्छा बालों का रंग? हल्का सा ब्राउन टाइप का। हल्का पूरा बाल भूरे भूरे टाइप के। हाँ और क्या बता रहे थे? नीली आँखें। हाँ हैं बालों को उसने बांध रखा है। हाँ बालों को रिबन से बांध है। हाँ अच्छे रिबन से। रिबन से बांध है। आप किसी भी भाषा में रहेंगे, आप अगर सेशन ले रहे हैं और आपको दिख रहा है और आप मान लीजिए बोलने लगे चाइनीज ही बोलने लगे जैपनीज बोलने लगे तो हम क्या करेंगे? हम आपसे कहेंगे कि ये जो कह रहे हो इसको हिंदी में कहो, बताओ हिंदी में क्या है ये। बस इतनी सी बात है, फिर हिंदी में बताने लगोगे आप, ठीक है? तो इसका टेंशन मत लो। और कोई सवाल है? ये हो गया। देखिए एक जिसको बोले कि एक आम प्रश्न होता है। अच्छा लोग बोलते हैं तुरंत वीडियो देखा और व्हाट्सएप पे मैसेज किया मैं कल ही आना चाहता हूँ आपके पास। अच्छा तो
क्या इसके लिए पहले हिप्नोसिस में जाने के लिए कुछ तैयारी करनी रहती है कि सीधे हम किसी को भी बुला सकते हैं? देखिए, ये सवाल तो ठीक है कि आप देखे और बोले मैं कल आना चाहता हूँ, तो देखिए आप कल आइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या हम कल उपलब्ध हैं ये भी तो देखना पड़ेगा ना, आप उपलब्ध हो, हम है कि नहीं, थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। दूसरी बात, आप ये देखिए कि ये जो चीज़ है ना, ये थोड़ा सा अलग हट के मामला है और थोड़ी मेहनत भी आपको भी करनी चाहिए, तो उसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत होगी। अगर नहीं करते हैं तो भी हम दिखा देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, 90% से ऊपर लोग तो बिना प्रैक्टिस के भी देख सकते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिस करने कहते हैं, हमारा अपना तरीका है। हमारे इस तरीके में हमने जानबूझ के कुछ वीडियोज बना रखे हैं, हमने पब्लिक के लिए उसको अवेलेबल किया हुआ है, कोई भी उसको देख सकता है और उसको प्रैक्टिस कर सकता है। प्रैक्टिस करने से दो फायदे, एक तो आपको अभ्यास हो जाएगा कि किस तरह की चीजें होने वाली, उसका थोड़ा थोड़ा एक झलक आ जाएगी। दूसरा, आपका जो है हीलिंग हो जाएगी, जब आपके भीतर हीलिंग एक प्रोसेस शुरू हो जाएगा तो जब आप सेशन में आएंगे तो हीलिंग तेज गति से होगी और आपका फायदा बढ़ेगा, आपको ही दुगुना फायदा है तो वो तो बढ़ेगा, ठीक है। और आप जब प्रैक्टिस करते हैं घर पे, देखते हैं ये, आप कम से कम, हालांकि हम तो कहते हैं कि इसको 10-15 दिन देखिए, लेकिन अगर आप 10-15 दिन प्रैक्टिस नहीं भी कर रहे हैं, एक हफ्ता ही कर लीजिए, उसके बाद आइए, तो आपको फायदा अच्छा है। दूसरा, आपको पता चल जाता है ना, अब आप सोचिए कि आपने एक फ्लाइट बुक की और आप आए, वहां से 20-30 हजार रुपए आपको फ्लाइट पे खर्च हो गया, यहाँ आए, सब किया और आपको नहीं दिखा कुछ, फिर आप नहीं जा पाए पिछले जन्मों में अपने, फिर तो उसमें ना आपकी गलती ना हमारी गलती, लेकिन नहीं हो रहा है तो आप क्या करें, है ना, तो फिर आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, हमें भी अच्छा नहीं लगता कि कोई अगर नहीं देखेगा तो, है ना, तो हम ये चाहते नहीं कि ऐसी बात हो, ऐसी घटना घटे, इसलिए हम कोशिश करते हैं कि आप पहले वो अभ्यास करें, अभ्यास करके खुद जान लें। हमारा वीडियो देख लीजिए, उसमें हमने बताया हुआ है कि कौन देख सकता है, कौन नहीं देख सकता, कैसा कैसा अभ्यास करना चाहिए, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो है, आप वो वीडियो देखें, उसको प्रयास करें, प्रयोग करें और खुद से तय करें कि हाँ मैं देख पा रहा हूँ, देख पाऊंगा, आपको संतुष्टि हो गई कि हाँ मैं देख पाऊंगा, तब आप आइए, स्वागत है, बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिस करके आएंगे तो पूरा पूरी संभावना है, 99.9% संभावना है आप देख पाएंगे, फिर भी 0.1% हम छोड़ेंगे, क्योंकि ये हम नहीं जानते कि ऊपर वाला और आपका जो स्पिरिचुअल मास्टर है, आपका गाइड, आपके इष्ट देव या आपको जो भी आध्यात्मिक गुरु हैं, आपके स्पिरिचुअल मास्टर हैं, जो इनविजिबल हैं, जो दिखाई नहीं देते, वो क्या चाहते हैं ये हम नहीं जानते ना, हम कोशिश करेंगे, लेकिन कई बार आपके मास्टर्स नहीं चाहते कि आप देखें, तो फिर वो रोक सकते हैं, तो वो अलग बात है, पर 99.9% लोग देख लेते हैं, ठीक है। और कोई सवाल? एक आखिरी सवाल है आज का, आखिरी वाला, ठीक है बोलिए जी। इसमें जो स्पिरिचुअल पाथ में है लोग, जो ध्यान कर रहे हैं लगातार, रोज अपने ध्यान की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उनको ऐसा भरोसा रहता है कि मुझे प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, मैं सीधा ही इसमें प्रवेश कर पाऊंगा, लेकिन ये हिप्नोसिस की प्रोसेस है, क्या वो रेगुलर ध्यान से कुछ डिफरेंट है क्या? कई लोगों को ऐसा रहता है कि मैं बहुत ही आसानी से इसको देख पाऊंगा। ठीक है, आप जैसे इसको ऐसा समझिए कि वो कह रहा है कि मैं ध्यान में हूँ, आमतौर पर ध्यान और हिप्नोसिस भाई भाई ही है, वही वही लगभग वही चीज है, लेकिन अब आप अगर बॉम्बे में हैं, अगर बॉम्बे में आप समझ लीजिए कि आप मरीन ड्राइव पे हैं, और मैं आपको शिवाजी टर्मिनस के बारे में कुछ बता रहा हूँ, आप मरीन ड्राइव के बारे में जानते हैं लेकिन आप शिवाजी टर्मिनस के बारे में नहीं जानते, या एयरपोर्ट के बारे में नहीं जानते बॉम्बे के, आप हैं तो बॉम्बे में, आप कहेंगे मैं तो बॉम्बे में हूँ, मैं सब जानता हूँ बॉम्बे के बारे में, बिल्कुल जानते हैं, लेकिन आप अगर शिवाजी टर्मिनस नहीं गए तो हम आपसे कहेंगे कि थोड़ा सा प्रयास कर लीजिए, चले जाइए, आप बॉम्बे में ही रहेंगे लेकिन शिवाजी टर्मिनस तक जाइए, एयरपोर्ट तक जाइए, देख आइए। इसी तरह से आप मेडिटेशन में होते हैं, बहुत अच्छी बात है, सबसे फायदे की बात है, मेडिटेशन करने वाला बहुत आसानी से पास्ट लाइफ को देखता है, तो आप देख आइए, लेकिन हमारा आग्रह ये रहता है कि आप मेडिटेशन करते हैं वो दूसरा एक डायरेक्शन अलग है, एक दूसरी दिशा है, वो अगर पूरब है तो हम आपसे आग्रह करेंगे थोड़ा पश्चिम को भी देख लीजिए, जगह वही है, सब कुछ वही है, आप जिस स्टेज पे हैं वही पर रहेंगे, तो
थोड़ा सा आपको मुंह बदलना पड़ेगा, डायरेक्शन अपना बदलना पड़ेगा। और जब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ कुछ प्रैक्टिस है, मेडिटेशन में आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप बैठे हैं, लेकिन यहाँ कुछ प्रैक्टिस है। हाँ ठीक है, कुछ सक्रिय ध्यान वगैरह ओशो ने दिए हैं वो अलग है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप बैठे हैं, मान लीजिए विपसना करते हैं रोज आप, तो आप बैठ के करते हैं, यहाँ बैठ के बस आपको एक खास गति को देखना है सांस की, वो आप देख रहे हैं, या एक खास मन स्थिति को देखना है देख रहे हैं। यहाँ पे हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप कुछ चीजें करें, कुछ विजुलाइज करें, कुछ देखें, कुछ कल्पना करें, कुछ सोचें। तो अब आप अपने जब ध्यान में होते हैं तो कुछ भी आ रहा होता है, रेंडमली कुछ भी विचार आ सकते हैं। यहाँ पे आपको संतुलित ढंग से एक खास दिशा में लेके जाते हैं हम, तो वो प्रयास करिए, अभ्यास करिए, अच्छा है। मेडिटेशन करते हैं बहुत अच्छा, और उसके साथ अगर ये अभ्यास कर लें तो वो जो कहावत है ना, सोने पे सुहागा, वैसा हो जाएगा, कोई गलत नहीं है, करिए आराम से। तो ये मेडिटेशन करता हूं इसलिए ना करूं, कृपया ऐसा इस तरह का आग्रह ना करें, कर लीजिए, कुछ नहीं होता, ठीक है। इसमें जैसे हमने एक रिलैक्सेशन का 30 मिनट का वीडियो बनाया है, तो वो जो लोग हमारे पास यहाँ पे नहीं पहुंच पाते किसी भी कारण से, उनकी व्यवस्था नहीं बन रही है, क्या ये रिलैक्सेशन के वीडियो से उसके वर्तमान जीवन में एक सकारात्मक प्रभाव को कितनी गहराई तक डाल सकते हैं वो लोग? देखिए अभी हम लोगों ने ना वो 30 मिनट का एक वीडियो जो बनाया ना, तनाव दूर करने के लिए चमत्कारी प्रयोग, इस तरह का कुछ उसका आप नाम देख लीजिएगा, उस तरह का ही है कुछ वो प्रयोग, ये हिप्नोसिस का एक प्रयोग है, और जो सेशन लेना चाहते हैं उनको तो ये प्रयोग करना ही है। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नहीं आ पाते, उनको लगता है कि हम नहीं आ पाएंगे। हर आदमी ऐसा खर्च करके आ जाए इतनी दूर, ऐसा संभव नहीं है। अब कोई केरल में बैठा है यहाँ आए, बहुत पैसे लग जाएंगे, दिल्ली में बैठा है यहाँ आए, बहुत पैसे लग जाएंगे, कोई हरिद्वार में बैठा है, कोई ऋषिकेश में बैठा है, कोई मेरठ में बैठा है, कोई हरियाणा में है, कोई कलकत्ते बंगाल में है, बंगाल में बहुत सारे लोग हैं, और बहुत सारे लोग कनाडा में, अमेरिका में, यूके में ये हमसे संपर्क करते हैं और कहते हैं आप ऑनलाइन सेशन कर दीजिए। और आप जानते हैं ऑनलाइन वाला काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, वो हमें जमता ही नहीं वो मामला, तो हम वो नहीं करते हैं अभी। तो फिर हम अभी उनके लिए क्या कर सकते हैं? तो हमने ये वीडियो इसीलिए सोच के बनाया कि जो लोग आए बहुत अच्छा, वो लोग प्रयास कर ले बहुत अच्छा। अच्छा, जो लोग नहीं आ पा रहे हैं किसी कारण से, चाहे वो देश में हो विदेश में हो, और लेकिन उनकी पीड़ा है, उनकी तड़प है, उनके अंदर कुछ समस्याएं हैं, वो बड़े दुखी हैं, और दुखी लोग बड़े दुखी मन से लोग फोन करते हैं, तो हमें भी खराब लगता है कि हम इनकी मदद नहीं कर पा रहे। तो फिर हमने ये वीडियो इसीलिए बनाया, अगर आपको कोई तकलीफ है, आप दुख में हैं, पीड़ा में हैं, संताप में हैं, आप सेशन नहीं लेना चाहते या नहीं ले पा रहे हैं, जैसी भी आपकी परिस्थिति नहीं हो रही है, तो कोई बात नहीं, आप वो वीडियो को देखें, उसको डाउनलोड कर लीजिए और उसको रोज सुनिए, आधे घंटे का है, ज्यादा नहीं है, आप ईयरफोन लगा लीजिए और कान में और सुनिए, या अगर सुविधा हो तो स्पीकर, एक छोटा सा स्पीकर सर के पीछे लगा लीजिए, यहाँ पे बिस्तर के पास, बिस्तर पे लेट जाइए या कुर्सी में बैठ जाइए आरामदेह ढंग से, इस तरह से कुछ ऐसा टेक के बैठिए आराम से, और स्पीकर पे चालू कर लीजिए, आंख बंद करके बैठ जाइए, आधे घंटे का प्रयोग करिए, और आपके वर्तमान जीवन में निश्चित गारंटी के साथ बदलाव आएगा, ये हम कह रहे हैं। हमें पता है, हमने उन चीजों को डाला है उसके भीतर जो आपको भीतर से हील करे, आपकी पीड़ा को कम करे, उसमें कुछ ऐसी चीजें की गई हैं जिससे आप, अगर आप सच में ईमानदारी से उसको प्रयास करते हैं, ईमानदारी से उसको अगर आप रोज रोज करते हैं, उसमें आग्रह किया है कि 28 दिन करें, फिर 3 महीने बाद और कर लें, लेकिन आपकी पीड़ा बहुत ज्यादा है, आप संताप ज्यादा महसूस करते हैं, 28 दिन में आपको लग रहा है कि कुछ और होना चाहिए, तो आप उसको कंटिन्यू करिए, आप 6 महीना लगातार करिए, कोई अड़चन नहीं है, आप साल भर लगातार कर लीजिए। लेकिन हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आप 6 महीना या साल भर लगातार कर दीजिए, तो गारंटी है कि आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे जो आप इस समय हैं, आप उस तरह की मनोदशा में नहीं होंगे जो मनोदशा इस समय है, तो एकदम गारंटी के साथ आप बदल जाएंगे, आपका पूरा व्यवहार, आचार व्यवहार सब कुछ बदल जाएगा, और आप देखेंगे कि आप एक नए किस्म के व्यक्तित्व के साथ आप तरक्की की राह पे चल पड़े हैं। सवाल यह है कि आदमी प्रयास नहीं करता, आदमी सोचता है कि कोई मेरे सर पे हाथ रखे मुझे मिल जाए। आते हैं लोग, कहते हैं मुझे ऐसा छू दीजिए, टच कर दीजिए, कहीं थर्ड आई पे हाथ लगा दीजिए, सब आप ही कर दीजिए, मैं कुछ ना करूं, मैं बस
बैठ जाऊंगा यहाँ पे आके और ठीक है आप कर दीजिए, तो ये नहीं होता ना, खुद से करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। हम लोग वो लोग नहीं है जो अपन प्रयास करके आपको करके दे दिए और सब फ्री में हो गया, आपको कुछ मेहनत नहीं करना पड़ा। मेहनत तो आपसे करवाएंगे, आप पास लाइफ रिग्रेशन भी करते हैं तो हम लोग ये मेहनत करवाते हैं, 7 दिन इसको करिए तभी आइए, है ना। तो आप देखिए, आप जब करेंगे सच में फायदा होगा, करके देखिए ना। और देखिए उसमें कमेंट्स में बहुत सारे लोगों ने लिखा है, उनको बहुत अच्छा लगा है। बहुत सारे लोगों की दवाइयां छूट गई जो वो लगातार दवाइयां खानी पड़ती थी उनको। आप भी प्रयास करिए, जिन लोगों को ऐसा लगता है कि तकलीफ है और नहीं आ पाते कोई बात नहीं, मत आइए, लेकिन आप वो प्रयोग करिए। और जिनको लगता है कि आ सकते हैं तो जरूर आइए, स्वागत है आप सबका। ठीक है, तो आज वीडियो में इतना ही रखें। तो ठीक है मित्रों, सवाल जवाब पता नहीं कितने देर का हो गया, शायद 30-40 मिनट का हो गया है। तो आज इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, हमारे बाकी वीडियोस देखते रहिए। आपके सवालों के बहुत सारे जवाब वहां भी है ना, तो ये तो 2-4 सवाल हुए, इसको जरूर देखिए और आगे और भी दाएं बाएं देखिए, उसमें बहुत सारे वीडियोस हैं हमारे, वो जरूर आपका मार्गदर्शन करेंगे, आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। और आप लोग जो घनघोर प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। ठीक है, नमस्कार।